मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे देश भारत में चारों तरफ लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं तो हमें जानने की ज़रूरत है। तो हम न्यूज़ को देखेंगे। यहाँ पर CCA का असम में विरोध, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, AASU ने गुवाहाटी में निकाला मशाल मार्च। ASU के अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हमने हमेशा CAA के खिलाफ मोर्चा संभाला है। सीरिया अदालत में हमने CAA पर रोक लगाने की मांग की। हम पहले ही असम में प्रवासियों का अवैध बोझ उठा चुके हैं। असम समझौते के अनुसार निर्वासन वर्ष 1971 निर्धारित किया गया था और अब CAA के अनुसार 2014 है। हम CAA के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। CAA लागू होने के बाद भारत के अलग अलग कोनों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने गुवाहाटी में मशाल मार्च निकाला। ASU के सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने आज तक से बात करते हुए कहा, CAA असम वैधानिक उत्तर पूर्व विरोधी असम विरोधी अधिनियम है। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार का समस्या चल रहा है हमारे देश में। जब से CAA लागू हुआ है भारत में, असम में विरोध चल रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो आपके लाता हूँ मसीह लोगों के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।